हेलो दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, सलाम अलैकुम फ्रेंड्स। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो उषा की अम्ब्रेला मशीन के ऊपर है। उषा की अम्ब्रेला, इससे पहले भी हम वीडियो उस पर बना चुके हैं, वो उषा की क्राफ्ट मास्टर मॉडल होता था, पर आज की जो मशीन है वो उषा का रोटरी स्टिच मास्टर है। कस्टमर इसमें बहुत सवाल करते हैं कि आखिर RSM क्या है और क्राफ्ट मास्टर क्या है। तो दोनों के अंदर जो फ़र्क है वो रेट का ही फ़र्क है, क्वालिटी में थोड़ा 19-20 का खाली फ़र्क होता है। RSM महंगी होती है, लगभग 400-500 रुपये आपकी क्राफ्ट मास्टर से महंगी होती है। थोड़ा हम लोग को प्राइस दिखाइए। ये जैसे आप देखेंगे इस पर लिखा होगा RSM विथ उषा हुक। इसमें जो हुक होगा ना, शटल, वो उषा कंपनी का ही होता है। और लगभग इसकी MRP जो होती है 6,600 रुपये इसकी MRP होती है फ्रेंड्स। ठीक है, आप इसको मशीन खोल दीजिए। खुली हुई मशीन इस तरह होगी आपकी। ये टेस्टेड है, लेकिन कस्टमर हर मॉडल के बारे में पूछते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, तो इसलिए हम लोग अनबॉक्सिंग कर देते हैं। थोड़ा सा भले टाइम लगता है, लेकिन आपको पहले ही पता चल जाता है कि इस मशीन के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। ये पूरी कार्टून पैक इसी तरह मशीन आती है। थर्मोकोल पैकेजिंग में होती है, इसलिए कोई तरह का आमतौर पर मशीन में नुकसान नहीं होता है। ये पूरी थर्मोकोल में जो है पैक करके आती है मशीनें। ये आपका पूरा घुटना है, घुटना बोले तो ब्रेक सेट होता है। ये आपका बॉबिन वाइंडर होगा, ये जो आपका यहाँ पे फिट हो जाएगा बॉबिन वाइंडर। ये आपका घुटना होता है ब्रेक सेट, इसी से आप जो है अम्ब्रेला मशीन में पैदान से ये ऊपर नीचे उठता है। जैसे ये आपका हाथ से सिलाई मशीन में उठाते हैं हम लोग ऐसे, तो अम्ब्रेला मशीन में क्या होता है, नीचे एक ब्रेक सेट होता है, जब उसको आप ऐसे पैर से करेंगे तो चापा अपने आप ऊपर नीचे हो जाएगा। इससे पहले जो हम लोगों ने बनाया हुआ था वीडियो वो क्राफ्ट मास्टर का था, उसका भी आप वीडियो देखिए। प्राइसेस के लिए फ्रेंड्स आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, उस पर आपको हम सब बता देंगे। ठीक है, आप तब तक इसमें चक्का और बॉबिन वाइंडर लगाइए। जब तक चक्का और बॉबिन वाइंडर लगता है, एक मिनट रुक जाओ। देखो यहीं पे फ्रेंड्स आपका जो है लिखा रहेगा उषा रोटरी स्टिच मास्टर, इसीलिए इसको RSM भी बोलते हैं। और जो दूसरा मॉडल होता है वो क्राफ्ट मास्टर यहाँ लिखा रहेगा। उसमें आपको ऐसी बेल बूटी नहीं मिलेगी, पूरी मशीन प्लेन ब्लैक होगी, सिर्फ उषा का ऐसा लेबल लगा रहेगा। और इसमें आपको थोड़ा सा मशीन खूबसूरत लगेगी, थोड़ा सा बेल बूटी रहेगी, बाकी चलने में एक ही तरह चलेंगी। थोड़ा 19-20 होता है खाली पार्ट्स में, लेकिन कोई आपको फ़र्क समझ में कहीं आएगा। ये दोनों यहाँ पर पेंच लगे रहेंगे, इसी में आप अपना बॉबिन वाइंडर, इसको यहाँ पर बॉबिन वाइंडर कस लीजिए। इसको खोल दीजिए। तो ये इसका टूल बॉक्स है, छोटी छोटी जो चीज़ें आपके इस्तेमाल की होंगी वो इसमें दिया होगा। ये तीन बॉबिन इसमें रहेगा, ये आपका तेल हो जाएगा, तीन बॉबिन रहेगी, निडिल रहेगी, तीन पीस निडिल है, दो तीन पीस निडिल रहती है। ये आपका छोटा पिच कस किया रहेगा इसमें बॉबिंग के लिए, बॉबिंग केस की पत्ती कसने के लिए। इसको ज़रा खोल दीजिए। ब्रेक सेट में क्या क्या आता है वो भी हम आपको दिखाई देते हैं।
अब ये अम्ब्रेला मशीन और छोटी मशीन में क्या फ़र्क होता है फ्रेंड्स, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं पूरा बताया गया है कि अम्ब्रेला मशीन और छोटी मशीन, घरेलू मशीन में क्या फ़र्क है। अम्ब्रेला जो होती है कमर्शियल मशीन होती है। देखिए बड़ा पेचकस इसमें एक अलग से दे देंगे ये, और ये पूरा घुटना होगा, पेंच भी आपको मिल जाता है, और ये इंडिया गेट होता है, इंडिया गेट या थ्रेड स्टैंड, इसको आम बोलचाल में लोग इंडिया गेट बोल देते हैं, या थ्रेड स्टैंड। ठीक है बोलो, चक्का लगा दीजिए, ये आपका बॉबिन वाइंडर से कसा जाएगा इसमें, ये दोनों पेंच जो खोला गया तो ये दोनों पेंच यहाँ से कसा गया, ये चक्का आप लगा लेंगे इसके ऊपर से। चक्का आप इसके अंदर कर लेंगे और फिर इसके बाद ये इस नट को बीच में रख लें, वॉशर है ये, थोड़ा मशीन उठा लीजिए ताकि ऐसे रखने में गिरेगा भी अगर आपका, तो थोड़ा सा आप मशीन ऐसे सीधा कर सकते हैं, उठा सकते हैं, लेकिन दो लोग इसके हाथ से, हम लोग भले रोज़ उठाते हैं तो एक हाथ से ऐसे कर लिए, आपसे ना हो तो एक किसी और की मदद ले लीजिए, वो मशीन पकड़ लें और इसका आप नट कस लीजिए। वॉशर बस आप जहाँ रखें वहीं पर रहे, छटके ना, तो फिर वॉशर अपनी जगह बैठ जाएगा अपने खांचे में, और फिर इसको आप हाथ से टाइट करके थोड़ा सा इसको यहाँ से ऐसे कस के ठोक दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, कार्टून पैक जब मशीनें निकलेंगी ना, तो मशीनें जाम चलेंगी, टाइट चलेंगी, फिर इसकी जब ऑयलिंग हो जाती है तो मशीनें हल्की हो जाती हैं। इसका कपड़ा हटा दीजिए, चापा उठा दीजिए, अब देखिए ये मशीन आती हो गई। मशीन के साथ आपको इसका सीरियल नंबर यहाँ पे पूरा मिल जाएगा, रोटरी स्टिच मास्टर उसका नंबर वगैरह, तो जब मशीन आप ख़रीदें तो नंबर हो तो लिखवा लीजिए, बाकी इनवाइस तो आपको मिलेगी। अब देखिए आप चलाएंगे मशीन ना फ्रेंड्स, ये थोड़ा टाइट चलेगी ऐसे, और जबकि टेस्टेड मशीन जब कारीगर चेक कर लेता है तेल उल डाल के, तो ये मशीन हल्की हो जाती है, और ये मशीन शुरू में टाइट ही चलेगी, फिर जैसे दो दिन तीन दिन आपकी मेहनत लगेगी पैर से चलाने में, फिर धीरे धीरे ये मशीनें हल्की होने लगती हैं। अब मशीन के अंदर आपको पूरी ए टू जेड चीज़ें हम लोग दिखा देते हैं, ऊपर का आपने तो पूरा चीज़ों को देख लिया। ये इसका रिवर्स होता है मशीन, इसीलिए आप या तो किसी दुकानदार से लीजिए जो मशीनें टेस्ट करके दें, ये सब जगह तेल वेल पड़ेगा, सब चीज़ सही सही काम करती है अच्छे से, ये अपना ऊपर भाग जाता है, रिवर्स होता है ये, या आप हम लोग सभी मशीन लेते हैं तो हम लोग टेस्ट करके ही मशीनें भेजा जाता है जहाँ जाती है। काफ़ी लुक तो बहुत खूबसूरत आपको लगेगा मशीन का, मशीन लंबी होती है, अम्ब्रेला फुल राउंड शटल की मशीन होती है, इसका लुक हर तरफ से खूबसूरत है। इसके प्लेट होते हैं, प्लेट थोड़े कलर अलग होगा, निकिल से अलग होता है, तो इस सब में जंग नहीं लगते हैं, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है प्लेट की। इसमें निडिल अलग होती है, डीबी नंबर की निडिल इस्तेमाल की जाती है, घरेलू जो मशीन होती है उसमें एचए नंबर की निडिल इस्तेमाल होती है। थोड़ा सा मशीन पलट दो, अब जैसे ये उषा की मशीन रहेगी तो आप देखेंगे तो इसमें उषा नाम का उनका बॉडी पे मोनोग्राम पड़ा रहेगा, पार्ट्स पे उषा का नाम उनके लिखा रहेगा, और इसमें शटल भी जो होता है ये कंपनी उषा कंपनी अपना शटल लगाती है। कैमरे में नहीं आ पा रहा है, लेकिन इसमें जो है उषा, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो गौर से, तो उषा नाम शटल पे लिखा रहता है, आ जा रहा, वो बहुत हल्का सा होता है, ये हल्का सा हुआ इसीलिए कैमरे में नहीं आ पा रहा है, शटल पे लिखा रहेगा, तो इसमें शटल जो लगा रहता है वो उषा कंपनी का रहता है, और दूसरी मशीनों में आप देखेंगे तो वो उसमें TL का चलता है आजकल शटल बढ़िया, या RK पुराना चल, पुराने ज़माने से RK नाम का शटल चल रहा है। ये पूरी गियर पे मशीनें होती हैं, इसका एक डिटेल वीडियो है, आप उसमें देख लीजिएगा अम्ब्रेला मशीन और छोटी मशीन में क्या फ़र्क होता है, मैंने उसमें डिटेल में आपको बताया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, मशीन सीधी कर लीजिए, ये एक वीडियो था जो अम्ब्रेला मशीन में रोटरी स्टिच मास्टर के ऊपर, इससे पहले एक और वीडियो बना है क्राफ्ट मास्टर के ऊपर, क्राफ्ट मास्टर थोड़ा सस्ता होता है मशीन, बस इतनी ही बात है, उसका जो लुक होता है वो एकदम प्लेन होता है, जैसे इसमें आप लेबल यहाँ सब जगह देख रहे हैं, तो थोड़ा सा ये मशीन खूबसूरत लगती है देखने में,
वो आपकी एकदम प्लेन होती है, हर तरफ से एकदम सादी मशीन होती है, खाली यहाँ पे उषा लिखा रहता है। थोड़ा सा क्वालिटी इससे थोड़ा सा 19 वो रखते हैं, वो हम लोग 19 कहते हैं लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता है कि क्या 19 है। पार्ट्स हल्का सा टेम्पर हो सकता है कि कम हो, चूँकि वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, वो तो चलने पे पता चलेगा आपको, 5 साल 10 साल जब चल जाएगी तब बता सकते हैं कि क्राफ्ट मास्टर और रोटरी स्टिच मास्टर में क्या फ़र्क है। शुरुआती दौर में तो आप कुछ भी फ़र्क नहीं बता सकते हैं, जो फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया, रेट का फ़र्क है, ट्रांसफ़र का फ़र्क है, लुक का है, खूबसूरती का है, बस इतनी ही बात है। अब आपकी मर्ज़ी है क्राफ्ट मास्टर आप ख़रीदें या रोटरी स्टिच मास्टर ख़रीदें, वो आपकी मर्ज़ी है। काफ़ी खूबसूरत है फ्रेंड्स। अब मैं वीडियो को जो है कंप्लीट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। कोई आपकी इंक्वायरी हो इस मशीन की, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर लीजिए। मशीनें हम लोग भेजते हैं तो कुरियर से भेजते हैं, वो आपके घर पे चला जाएगा मशीन, आपको ट्रांसपोर्ट में जाके लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुरियर कंपनी आपके घर पर ला के पहुँचा देगी। ठीक है फ्रेंड्स, शुक्रिया।